भारत पर तगड़ी धनवर्षा करवा रहा रूस यूक्रेन युद्ध। भारत के आलोचक देश खरीद रहे भारत से पेट्रोल डीजल। भारत की कमाई को देख चीन रूस और अमेरिका तक हैरान। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो दुनिया भर के विश्लेषक थे या फिर अमेरिका से लेकर पश्चिम साइड के जो भी देश हैं, उन्होंने एक स्वर में ये कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भारत को ही पड़ेगा। भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रेड ठप हो जाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी और भारत की जो इकोनॉमी है वो भी धराशायी हो जाएगी। वहीं अमेरिका ने रूस को बर्बाद करने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिसके बाद कहा जाने लगा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भारत भी रूस से कुछ नहीं खरीद पाएगा। लेकिन इसके बाद भारत ने इसका विकल्प निकालते हुए रूस से डॉलर की जगह भारतीय रुपये से ट्रेड करना शुरू किया और रूस से भयंकर कच्चा तेल खरीदा। भारत के ऐसा करने पर जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भारत की भयंकर आलोचना की और उस समय इन देशों ने जमकर दोगलापन दिखाया। लेकिन यहाँ पर इन देशों को ये नहीं मालूम था कि यही भारत देश इन्हीं यूरोपीय देशों से इतना ज़्यादा माल लूटने वाला है, इतनी ज़्यादा कमाई करने वाला है कि रिकॉर्ड बन जाएगा और इन देशों को भारत से व्यापार करना ही होगा। तब इन देशों ने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन आज जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उन्होंने इन सारे देशों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ऐसी भयंकर कूटनीति का इस्तेमाल कर इन दोगले यूरोपीय देशों से इतनी ज्यादा कमाई कर लेगा कि दुनिया हैरान हो जाए। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत ने पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है और कैसे भारत ने खुद पेट्रोल आयात करके इतने ऑनऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए कि भयंकर रिकॉर्ड बन गया। सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सऊदी और अमेरिका को भी हैरान कर दिया भारत ने, खुद कच्चा तेल खरीद कर कर डाला एक्सपोर्ट, भयंकर बरसा डॉलर। दोस्तों, भारत की शानदार कूटनीति को बताती एक ऐसी खबर आई है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दरअसल ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि यह खबर कई देशों के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है उसमें पिछले 5 सालों में कोई 100, 200 या 500% नहीं, बल्कि 2,53,788% की ग्रोथ हुई है। जी हाँ, इस आंकड़े ने कई देशों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिन यूरोपीय देशों को भारत ने पेट्रोल एक्सपोर्ट किया है ये वही यूरोपीय देश है जो पिछले कुछ सालों से अपने नियम कानून बार बार बदलकर भारत को यूरोपीय देशों में घुसने से रोकने के लिए कई कदम उठा चुके हैं। लेकिन अब भारत ने इन देशों को ही तेल बेचकर जबरदस्त कमाई कर डाली है। सबसे पहले तो आप इन यूरोपीय देशों का दोगलापन समझ लीजिए। दरअसल यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देशों का राजनीतिक और इकोनॉमिक समूह है, जो कि वास्तव में भारत की मदद के बिना नहीं रह सकता, लेकिन भारत के प्रति इनका दोगलापन भी किसी से छिपा नहीं है। इन देशों ने आपस में प्रशासनिक पार्टनरशिप किया है, जिससे यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यूरोप के लगभग सभी देशों ने भारत की कई बार टांग खींचने की कोशिश की है, वहीं यूरोपियन का ही एक देश है रूस, जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा उतरता है। ऐसे में रूस भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहता है और भारत रूस की दोस्ती दुनिया को पहली बार तब दिखी जब 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण रूस का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया। यहां तक कि जो यूरोपीय यूनियन के अन्य देश हैं वह खुद रूस के साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते व्यापार करने से डर रहे थे और ना तो कोई प्रोडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही खरीदने के लिए तैयार थे, जबकि इसके पहले लगभग सभी यूरोपीय देश रूस से ही कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि इस समय रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया, फिर भी यह देश खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उस समय भारत ने हिम्मत जुटाई और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू किया,
जिसके लिए भारत ने रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के चलते यूएस डॉलर में व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। भारत ने खरीदा रूस से रिकॉर्ड लेवल पर कच्चा तेल। रिफाइन कर भारत ने तेल प्रोडक्ट का किया जमकर एक्सपोर्ट। दोस्तों, भारत ने रूस से इस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठाना शुरू किया। इस समय यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ अपना दोगलापन दिखाया और भारत को रोकने की कोशिश की और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और रूस की मदद करके खुद इसका फायदा उठा रहा है, जबकि देखा जाए तो भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। फिलहाल यूरोपीय देशों ने रूस के साथ तो व्यापार करना लगभग पूरी तरीके से ठप्प कर दिया, लेकिन इनका मेजर ट्रेड भारत के साथ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट और कपड़े से बने लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट तो ऑलरेडी भारत के द्वारा यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जब इन देशों ने रूस से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम कर दिया तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि यूरोपीय देशों ने ज्यादातर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत से लेना शुरू कर दिया। भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलना शुरू हो गया था, इसीलिए भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन और अमेरिका की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव प्राइस में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजा गया, जिससे अमेरिका और चीन के पेट्रोलियम इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ गईं और धीरे धीरे यूरोपीय देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि यह अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर ही नहीं सकते। और आज के समय में भारत को यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल गया है, जहां भारत के द्वारा डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसका आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया तो इसने सभी देशों की नींदें उड़ा कर रख दिया, क्योंकि भारत ने इस बीच जिस तरीके की विदेशी कूटनीति का इस्तेमाल किया है वह वाकई में तारीफ लायक है। साल 2018 के बाद से भारत ने यूरोपियन देशों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया और पिछले 5-6 सालों में लगभग 2,53,788% की ग्रोथ रेट सामने आ रही है। साल 2018-19 में टोटल पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट लगभग 9,000 टन के करीब ही था, जबकि पिछले साल तगड़ी छलांग लगाते हुए 24 मिलियन टन के करीब पहुंच गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़ा अभी भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत को अभी भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल पा रहा है और इसी बीच अन्य कई देश भी भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं जो कि भारत को क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत में काफ़ी सारी रिफाइनरी मौजूद हैं, जिनमें जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि भारत में मौजूद है, और यह हर दिन लगभग 12,40,000 क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उपयोगी ऑयल में बदल देती है, जो कि न सिर्फ भारत में उपयोग किया जाता है बल्कि भारत की ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों के द्वारा यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत के द्वारा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे लगभग सभी पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि देखा जाए तो भारत में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ऑयल रिफाइनिंग का हब बनकर बैठे हुए हैं। आज के समय में दुनिया में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत के द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनमें से लगभग 16 या 17 तो केवल यूरोपीय देश हैं जो भारत के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें एक बात हैरान करने वाली भी है, और वह है पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करके भारत की होने वाली कमाई। क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करके होने वाली कमाई $20.5 बिलियन है, जबकि साल 2018-19 में भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसी से केवल $5.9 बिलियन की कमाई हो रही थी। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।